नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप हैं इस समय RN45 एजुकेशन पर। तो बात करेंगे बिहार में चल रही तीसरे फेज़ की भर्ती के बारे में, जहां पे 87,774 टीचर की वैकेंसी निकली हुई है और इसका री एग्ज़ाम जो होने वाला है वो होने वाला है 10-11 जून को। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 1-5, 6-8, 8-9, 10-11, 12 कहाँ पर जो है कंपटीशन लेवल कम है और कहाँ पर कंपटीशन लेवल ज़्यादा है, यानी जो है किस विषय में सबसे कम भीड़ है और किस विषय में सबसे ज़्यादा भीड़ है, कहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन जो है आसानी से होने वाला है, इन सब की जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो पर अंत तक। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर बात करें TRE 3 की, 87,774 वैकेंसी है और इसके लिए लगभग 4.5 लाख लोगों ने आवेदन फॉर्म भरे हैं और सबसे ज़्यादा फॉर्म हर बार की तरह 1-5 में ही भरा गया है। लेकिन कंपटीशन लेवल की बात करें तो ये जो है 6-8 में जो है आपका कंपटीशन लेवल जो है बहुत टफ होने वाला है इस बार भी, क्योंकि इसमें आप लोगों को BEd कैंडिडेट जो है दिखेंगे और आप लोग तो जानते हैं कि BEd कैंडिडेट जो है PRT में वैलिड नहीं है, इसलिए 6-8 में जो है BEd कैंडिडेट दिखेंगे जो कि काफ़ी संख्या में होंगे। तो 6-8 में जो है कंपटीशन लेवल ज़्यादा होने वाला है। और अगर 6-8 की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो यहाँ पे मैथ और साइंस कैंडिडेट के लिए जो है कंपटीशन लेवल काफ़ी टफ होने वाला है। उसके बाद बात करें 1-5 की, तो PRT में भी कंपटीशन लेवल ज़्यादा ही होने वाला है और सबसे कम कंपटीशन होने वाला है 9, 10, 11, 12 में, क्योंकि जो है इस बार यहाँ पे एस्टेट वालों को जो है मौका नहीं मिला है, तो कंपटीशन लेवल यहाँ पर जो है काफ़ी कम होने वाला है और यहाँ पर जो है कट ऑफ भी सबसे कम जाने वाली है इस बार भी। अब चूंकि यहाँ पे 50% सीटें जो हैं रिज़र्व हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है काफ़ी आसानी से होने वाला है। अगर फीमेल कैंडिडेट थोड़ी सी भी मेहनत करती हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का होने वाला है इस बार। थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ साइंस कैंडिडेट के बारे में, क्योंकि PRT में साइंस के कैंडिडेट जो है ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन जो है काफ़ी टफ होने वाला है इस बार भी। यहाँ पर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री से जो है ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। बायोलॉजी के बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 से 5 प्रश्न जो है बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे। तो साइंस वाले कैंडिडेट जो है तैयार रहें, फिजिक्स केमिस्ट्री में उन्हें जो है ज़्यादा स्कोर करना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो कैंडिडेट जो है तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है कंपटीशन लेवल चाहे टफ हो या आसान हो, उनके लिए जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका तो सिलेक्शन पक्का ही है। तो आप लोग जो है तैयारी पर फोकस करिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब।